नमस्कार, उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। चले बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में ISBT बनाने का सपना लोगों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। कांग्रेस सरकार में ISBT को लेकर गोला पार्क में सरकार से कई करोड़ रुपए का बजट लिया गया था, जिसके लिए भूमि भी चयनित कर मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास कर दिया गया था, लेकिन ISBT की जगह पर कुछ मानव कंकाल मिल जाने पर स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया है, जिसके लिए दूसरी जगह की मांग की गई है। उसके बाद राज्य के अंदर भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार आने के बाद कई जगह ISBT को लेकर चिन्हित करने के निर्देश अधिकारी को दिए गए, लेकिन अभी तक ISBT पर राज्य सरकार का कोई फैसला नहीं आया। वहीं परिवहन कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि ISBT हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है, जिसके लिए भूमि भी चिन्हित कर वन विभाग से अनुमति के लिए शासन कार्रवाई कर रहा है। जमीन का चिन्हीकरण हो चुका है, उसके बारे में आपको जानकारी है। भूमि का चयन निश्चित रूप से हो चुका है और जो हमें जो स्थल चयनित किया गया है वह वन विभाग वन भूमि है। उसके उस जमीन के एवज में हमें राजस्व विभाग द्वारा हमें 20 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। वन विभाग की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है कि वो जमीन किस तरह की जमीन है, वहाँ पर वृक्षारोपण हो सकता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होगी। उसके बाद निश्चित रूप से हमने बहुत तेज़ी से हमने निर्देश दिए कि बहुत तेज़ी से भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं और एक समय सीमा निर्धारित भी की है। हमने परिवहन विभाग के सचिव परिवहन और रेवेन्यू राजस्व विभाग के अधिकारियों को हमने उनके साथ बैठक की है और कहा है कि इस मामले को जो हमारा ISBT हल्द्वानी का मामला है, भूमि हस्तांतरण जल्द से जल्द हो इसकी कार्रवाई करें, जिससे भारत सरकार से इसमें हमें अनापत्ति मिल सके। जिस दिन अनापत्ति मिलेगी उस दिन इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। वही उत्तराखंड के रामनगर में कुमाऊं मंडल के अपर आयुक्त तहसील परिसर का निरीक्षण किया गया। वहीं इस मौके पर खामियां मिलने पर उन्हें तुरंत सुधार करने की हिदायत दी गई। साथ ही सरकार और बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली के लिए विभागीय लापरवाही को देखते हुए तुरंत बकायेदारों से वसूली करने के निर्देश दिए गए। वहीं आधार कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की भी बात की गई। हाँ, देखिए हमारे जो हमारा तहसील है या जिला प्रशासन है, उसका एक मुख्य दायित्व जो विभिन्न बकायेदार हैं, सरकारी बकायेदार, बैंकों के बकायेदार, उनकी वसूली किया जाना है। तो इस तहसील में हमारे पास 5 अमीन हैं, जो तुलनात्मक रूप से ठीक ठाक स्थिति है अन्य तहसीलों की तुलना में, और बकाया जो है उसके हिसाब से भी अमीनों की संख्या में काफ़ी है। तो अभी जो विभिन्न प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, वो कार्रवाइयाँ अभी अमल में नहीं लाई जा रही हैं। तो हमारा निर्देश तहसीलदार और जिलाधिकारी को ये है कि वो जो प्राविधान जो नियम में कुछ कार्रवाई करने के हैं बकायेदारों के खिलाफ, वो सारी कार्रवाइयाँ वो अमल में लाएँ और सरकारी जो वसूली है उसको बढ़ाएँ। रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट। या वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, आप बने रही नेशन वन के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के गदरपुर में SSP महोदय उद्धम सिंह नगर के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे विरोधी अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें गश्त के दौरान पुलिस ने 175 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि देर रात्रि गश्त के दौरान गदरपुर के निकटवर्ती ग्राम का एक युवक 175 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया है, जिसका मेडिकल करवाकर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SI प्रशांत कुमार ने जो है ये पिक्चर हॉल वाली गली में अभियुक्त नवाब के कब्जे से 171 ग्राम चरस को बरामद किया है और जिसकी कीमत करीब 20,000 के अंतर्राष्ट्रीय फिलहाल है। ये इसी प्रकार जो नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसके ऑर्गेनाइज क्राइम में सम्मिलित लोग भागे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। कानून में नियत है, उसके तहत ही हम कार्रवाई करते हैं और जो भी इनके खिलाफ जो प्रावधान बनता होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर से MP सिंह की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में शिव सैनिकों के कार्यकर्ताओं ने मीट मांस की दुकान बंद न किए जाने को लेकर उप तहसील को ज्ञापन सौंपकर मीट की दुकान बंद करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि मंगलवार के दिन नगर का मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहता है, लेकिन मीट की दुकान बंद नहीं रहती। उन्होंने मंगलवार को बाजार के साथ साथ मीट की दुकानों को भी बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ज्ञापन देने से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो शिव सैनिक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है मंगलवार जो है शुद्ध दिन माना गया है हमारा,
ठीक है। और इसमें जो है ये मीट की दुकानें या मछली की दुकानें जो भी हैं वो खुले आम ना होनी चाहिए, ठीक है, और बंद भी होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी के अनुसार। इसमें सहयोग रहेगा तो बंद कराएंगे दुकानें मंगलवार को। सितारगंज से चरण सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।